वो काबिले तारीफ है, लोग कहते हैं। आपका क्या नाम है साहब? पदम कुमार जी। कैसे आना हुआ यहाँ? ऐसे निकल लिए, अच्छा बहुत अच्छा किया। कभी कभी ऐसे भी निकलना चाहिए। और घर परिवार में सब अच्छे? घर में कौन कौन है? सब कुशल। यार ये रोज रोज वही डिबेट करते रहते हैं हम, कभी कभी पूछना चाहिए ना लोग जो आए हैं कि घर परिवार में लोग कितने हैं। कहाँ से आना हुआ बेटा? कहाँ से आना हुआ? यूपी। अरे यूपी में तो आए हो? यूपी में कहाँ से? अलीगढ़। अलीगढ़, हाँ भैया पता चल गया था तुम अलीगढ़ के ही हो। किसके साथ आए हो? भाई के साथ। क्या काम करते हो भाई? तो कैसे आना हुआ? घूमने आए थे। अच्छा, इतनी ठंड में घूमने के लिए? ठंड तो है ही नहीं। जी सिंह साहब। प्रतीक जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे क्या बदला है, हम तो कह रहे हैं कि सही बात है, अभी बहुत नहीं बदला, इसीलिए तो देश की जनता पुनः मोदी जी को ले आ रही है कि और भी बदलेगा। अभी थोड़ा सा ही बदला है कि 370 समाप्त हुआ है, देश में दो विधान दो प्रधान दो संविधान खत्म होके एक ही विधान एक ही संविधान चल रहा है। अभी थोड़ा सा ही बदला है कि 3 तलाक पे कानून आ गया। अभी थोड़ा सा ही बदला है कि हर जगह भारत का झंडा फहरा रहा है। अभी थोड़ा सा ही बदला है कि जो लोग कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उनकी आवाज़ बदल गई। अभी थोड़ा सा ही बदला है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तुलना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इधर यहाँ बुलडोजर गरज रहा है, वहाँ रोहिंग्या गरज रहे हैं। अभी थोड़ा सा ही बदला है कि पहले देश के संसाधनों पे एक का अधिकार था, अब देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार है। पहले अभी थोड़ा सा ही तो बदला है कि पहले एक की शिक्षा की छूट दी जाती थी, एक की स्वास्थ्य की छूट दी जाती थी, आज सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलंद किया जाता है। प्रतीक जी मैं तो कहूँगा, एक तरफ झूठ की गारंटी है, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, झूठ की गारंटी। अभी आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कहा हिमाचल में 1 लाख नौकरी मिल गई, 1500 रुपया क्या आपने दे दिया? नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी, जो लोग कहते थे, आपने सिलेंडर दे दिया राजस्थान में? हम तो शुरू कर दिए। नहीं, बिल्कुल सिंह साहब, आप ही से पूछूंगा, आपने राजस्थान में सिलेंडर? देखिए राजस्थान तो हमारे पास भी जवान है। अच्छी बात पूछे। देखिए आपने अच्छी बात, राजस्थान में सरकार बना कितने दिन हुआ? हमने जो गारंटी दिया था मध्य प्रदेश में उसको पूरा किया कि नहीं? लेकिन छत्तीसगढ़ में जो एक गारंटी दिए थे महिलाओं को 1000 देने के लिए, नहीं दिए। शराबबंदी का नहीं किए, 500 रुपये देने का नहीं किए, बल्कि वहाँ गेम से लेकर गोबर तक घोटाला किया। और हमने उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में जहां जहां हमारी सरकार थी, हमने जो गारंटी दिया वो पूरा किया, और जो गारंटी देंगे उसको पूरा। जी चलिए, हरदीप सिंह पुरी जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने भी कहा था वैसे तो, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था राजस्थान में कि 109 रुपए का पेट्रोल मिलता है राजस्थान में, जब वो गए थे चुनावी भाषण करने, और उन्होंने ये बोला था कि इस बात की समीक्षा होगी और इस पेट्रोल के दाम को कम किया जाएगा, 11-12 रुपए से कम किया जाएगा। क्या वो हो गया है आज की डेट में? वो नहीं हुआ है। दूसरी बात, वो राजस्थान में ही नहीं भाई, 10-11 रुपए तो पूरे देश में सस्ता होना चाहिए, जो कि इस समय एक मुद्दा है। इस समय जो क्रूड ऑयल का दाम है, बिल्कुल उसी में बोला है, वो लगातार गिरता जा रहा है। और ये जनता आप लोगों के लिए है कि आप लोगों की जेब से आज भी 100 से 110 रुपए पेट्रोल और डीजल के नाम पे लूट लिए जा रहे हैं। देखिए हम इनकी तरह नहीं है कि हिमाचल में इनकी सरकार बनी, और जब आपके चैनल के जिम्मेदार रिपोर्टर गए तो पूछा गया कि भैया 96 रुपया उत्तर प्रदेश में, 112 रुपया आपके यहाँ कब काम करेंगे? तो बोले हमारा काम नहीं है, या पेट्रोल मंत्री से पूछिए। हम तो जिम्मेदारी से एक प्रवक्ता के तौर पे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है, और हमने जनता से जो भी वादा किया है, वादा करता हूं कि उसको पूरा करके दिखाया जाए। जी मैं हिमाचल में आता हूँ, पहले जनता की तरफ से आज। जी कहिए प्रतीक भैया, अभी मैं आपका शो देख रहा था, बाबा बागेश्वर धाम का जो कर रहे थे, उसके बाद मैं यहाँ भागता हुआ आया। बाबा बागेश्वर जी का अभी ले रहे थे ना इंटरव्यू, अभी हाँ बाबा बागेश्वर जी का ले रहे थे इंटरव्यू, अभी आए हैं, उसी अपने घर से भी भागता हुआ आया हूँ मैं। तो बाबा यहाँ थोड़ी ना है। नहीं, आपकी सिर्फ 4 बात पूछने के लिए। हाँ। यहाँ पे जो केजरीवाल जी के जो प्रतिनिधि होंगे, अरे तो अभी बिचारे तो बोले ही नहीं वकील साहब। मैं बताता हूँ, 4 सिर्फ, ये कहते हैं शिक्षा पे, ये कहते हैं मेडिकल पे, ये कहते हैं स्कूल पे, और एक क्या कहते हैं, 4 पे, जो जिन्होंने 4 बहुत अच्छा काम किया है। मैं कहता हूँ अगर इन्होंने मेडिकल में अच्छा काम किया है तो केजरीवाल जी अपना इलाज करवाने के लिए गुजरात क्यों जाते हैं? अगर बच्चे का इन्होंने शिक्षा अच्छा दिया है तो प्राइवेट स्कूल कितने बंद हुए हैं ये बता देंगे। और मैं कहता हूँ 30,000 बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन किए सरकारी स्कूल से निकल करके, ये बता दें मेरे को 4 चीज के लिए, और किसी चीज की डिबेट नहीं। नाम क्या है आपका? ध्रुवनाथ झा। मैं 2 साल से यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ, कहाँ? यही राजघाट के नीचे।
और केजरीवाल जी हम लोग के सामने से रोज गुजर के जाते हैं 10:30 बजे और 2 साल से एक बार भी। कौन से विभाग से हैं आप? हम लोग खेती करते हैं जमुना खादर में। समझ गया मैं, मुद्दा समझ गया 2 मिनट में जी। देखिए पहले तो मैं आम आदमी पार्टी, हाँ, छोटे भाई का ये रिप्लाई दे देता हूँ। दिल्ली में पिछले 9 साल से पूरी दिल्ली की जनता इस बात को मान रही है कि स्कूलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इस बात को सारी दिल्ली की जनता बार बार मान रही है। अब रही बात इनकी ये कहना कि इन मैंने देखा है, वो मैंने भी देखा है, मोहल्ला क्लिनिक वाली रिपोर्ट देखी है, पेपर में है, मैंने देखा है उसको जी। जहां तक बात है प्राइवेट स्कूल बंद होने की, जहां तक बात है दूसरी, इन्होंने डिमांड रखी कि केजरीवाल जी इलाज के लिए क्यों जाते हैं, हाँ। मैं बताना चाहता हूँ केजरीवाल जी योग के लिए जाते हैं, वो विपासना के लिए जाते हैं, हाँ। वो कोई इलाज के लिए नहीं जाते हैं, हाँ। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो आपने मेन मुद्दा रखा है। देखिए देश के अंदर देश जोड़ने की जिम्मेवारी हर एक जन की है, हर एक सिटीजन की है। भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता है अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालती है? इनके इनको खुश होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी भी देश जोड़ने की बात कर रहे हैं और आप देश जोड़ने की अगर बात कर रहे होते तो आपके पेट में दर्द नहीं होता। आप देश नहीं जोड़ रहे हैं, आप बुलडोजर, मैं जानना चाहता हूं वो बुलडोजर उन बच्चों के, उन लड़कों के, आरोपियों के घर पे कब चलेगा, जिन 3 रेपिस्ट को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला? वो नहीं चलेगा। आपने कहा वायदे की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, वो कब मिलेगा? आप तो कह रहे हैं सिलेंडर में अभी सरकार बनी है जी, रोजगार मिल चुके हैं। मैं आपसे कहां मिल गए रोजगार? रोजगार मिल रहे हैं, हर आदमी आजकल रोजगार है, एक एक व्यक्ति के पास जो मोबाइल है ना उसी से वो अपना रोजगार ढूंढ करके काम कर रहा है। मैं आज एक बात और बताता हूँ, मेरा भी एक लड़का है 18 साल का है, मोबाइल से ही अपना खर्चा निकाल लेता है। ऐसी ऐसी कंपनियां मोबाइल की ऐप में आ चुकी हैं, इनको कुछ नहीं पता है। ये लोग ये बता दें, आप एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो दिल्ली में आज तक खोला हो, एक अस्पताल का नाम बता दीजिए, उस जिले का नाम बता दीजिए कौन से जिले में खोला है, उस विधानसभा का नाम बताइए जहां आपने एक अस्पताल खोला है, एक कॉलेज खोला है। सिर्फ झूठ का परिंदा मारते हैं। बिजली पाठशाला तो दे नहीं पाए देश में, दिल्ली में इन्होंने शिक्षा तो नहीं दिया, हाँ शराब घोटाला करके देश की एक एक बच्चों को शराबी जरूर बना दिया, इन्होंने शराब जरूर पिला दिया घरों में। भाई तुमसे थोड़ी कह रहे कि तुम पियो, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, पहले जो आदमी एक बोतल लेता था ना, जब ये शराब एक पे एक कर रहे थे, मेरे गली के मोहल्ले में रोज मियां बीबी में लड़ाई होती थी। क्यों? क्योंकि वो पहले एक बोतल लेता था, एक पौवा पी के सो जाता था, अब वो लगातार बराबर रोज। वो तो खैर मनाइए, एक के साथ एक है, तुम तो गजब की बात कर रहे हो। देखो भले से आम आदमी पर, आम आदमी के ऊपर लगाया तो आम आदमी पर रिस्पॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आबकारी घोटाले की जो बात कर रहे हैं, देश में शायद पहला ऐसा घोटाला है ये जिसमें आज तक एक नए रुपए की रिकवरी, एक नए रुपए का कहीं, आपने देखा अभी ईडी की रेड हुई, ईडी ने क्या कहा, इतने करोड़ रुपए मिले। अभी कांग्रेस के एक एमएलए को पकड़ा, इतने रुपए रिकवर हुए, अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि उसके घर से या उसके यहाँ से क्या रिकवर हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2 साल हो गए, हजारों रेड हो चुकी हैं, हमारे 3-3 मंत्रियों को इन्होंने जेल में रखा हुआ है, आज तक एक नया रुपया कहीं पर भी ये साबित कर पाए हूँ, अब तक वो ट्रायल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 3 महीने के अंदर आप ट्रायल शुरू कीजिए, अब तक मैं एज ए लॉयर बता रहा हूँ, अब तक 3 महीने में उसमें कोई ट्रायल की एक सेकंड के लिए ट्रायल, जहाँ जमानत मिलनी चाहिए वहाँ मिल नहीं रही, और तीनों राज्यों में जमानत जब्त हो गई इन लोगों की। मैं आंकड़ा दे रही हूँ प्रतीक जी, शीला दीक्षित जी के समय, मैं सुन लीजिए, 78 करोड़ रुपए का शराब, मुझे बात बोलने दीजिए सर, थोड़े से संस्कार सनातन संस्कृति से सीख लीजिए, जब महिला बोल रही है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। सुनिए अब, 78,000 करोड़ का शराब का व्यापार हुआ जिसमें बेनिफिट हुआ राज्य सरकार को 3300 करोड़ का, इनके समय में 13,800 करोड़ की बिक्री हुई। भैया सिंपल अपने आप को बोलते हैं ना बनिया जी ने जो मुनाफा दिया राज्य सरकार को वो 300 करोड़ मात्र। इन्होंने जो पूरा बेनिफिशियरी जो नई शराब नीति बनाई, सबसे पहले तो उसमें एक रूल था कि बिना मुख्यमंत्री के, बिना चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के बगैर आप इस पॉलिसी को नहीं पारित कर सकते, इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने वो बनाया। उसके बाद लाइसेंस में जहां 5% आपको कमीशन थी, वहां 12% सारा बेनिफिट इन्होंने दिया। उस समय जब सरकार शराब की बोतल मुझे 530 रुपए की बोतल में 333 रुपए, नहीं आंकड़ों की बात कर रही हूँ, देख लेना, बताओ ना मेरे भैया, संस्कार, 2 मिनट बोल लो फिर बोल लेना,
मुझे जनता से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं कर रही हूँ। 33 रुपए रिटेलर को मुनाफा मिलता था जब 530 रुपए की शराब बिकती थी। जब 530 की आज बिकी इनके टाइम पे, तो मुनाफा मिला रिटेलर को 363 रुपए का। उसको बेनिफिट दिया, राज्य सरकार को बेनिफिट दिया और सारा पैसा उसके बाद इन सारे राज्यों में अपने उन्होंने लगाए। और उसके बाद ये दिख रहा है ना सामने आपके, आपके क्यों क्यों, अरे भ्रष्टाचार से हाथ, अरे आप क्यों भागम भाग कर रहे हैं? जाइए ना ईडी के पास, ईडी के आगे सबूत दीजिए ना। ईडी से क्यों भाग रहे हैं? नेगेटिव राजनीति करते हैं। दिल्ली की जनता से इनका कोई कनेक्ट नहीं है। दिल्ली की जनता बार बार केजरीवाल जी को इसलिए जिता रही है क्योंकि केजरीवाल जी काम करते हैं, शिक्षा में काम करते हैं। ये झूठे आरोप अभी एमसीडी में इन्होंने लगाए और इनको बाहर किया एमसीडी से। ये दिल्ली की, दिल्ली में मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, आप आइए दिल्ली में। रुंझुन बैठ गए तुम तो, प्रचार होने वाला है काहे का, आपके शो का प्रचार भी आता है ना, टाइम होने वाला है। इधर आओ रुंझुन, हाँ आने वाला है, ब्रेक तो होने वाला है। तो क्या है कहते हैं ब्रेक पे जाने से पहले, हम क्या कहते हैं ब्रेक पे जाने से पहले, कहते हैं कि जी अब अभी थोड़ा ब्रेक का समय है, आप लोग आपस में बात कीजिए अगली बार। तो वक्त छोड़ो से ब्रेक।